आगे लिप्सिंग में एक डैम दिखा था ना, यह डैम को नाम बोलती है कामराजा सागर डैम। पुराना पिक्चर भी देखा रहेगा कुछ कुछ होता है, इसमें शिमला समर कैंप करके शाहरुख खान छोटी छोटी बच्चों का साथ, लड़की बड़ी अनजाना है लड़का बड़ा अनजाना, बैग डाल के रोड पे आया था ना, सेम ब्रिज। मैं सबको पहुंच चुका है, मैं चढ़ता हूं जल्दी। भैया हिंदी वाला सुन लो, अभी हम लोग को जा रहे पैकारा, ये पैकारा बोलना था, विलेज का नाम है पैकारा, ये टूर का नाम बोलते हैं फिल्मी चक्कर टूर करके। जाने का रास्ता में लेफ्ट साइड में देखते ना, ये जगह का नाम बोलते हैं गोल्फ लिंक्स, गोल्फ कोर्स, वन लॉकडाउन, तीन नाम रख दिया। ये इंडिया में फर्स्ट गोल्फ कोर्स इन कश्मीर, सेकेंड ऊटी में यही है। इसमें 18 होल्स 130 एकर्स का है। इधर सारे हिंदुस्तान का मूवी निकाला, हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलुगु मलयालम सभी निकाला, ओनली सॉन्ग्स ओनली। इधर ओनली मेंबर्स के लिए अलाउड करते हैं, शूटिंग का पेमेंट करने के बाद अलाउड करूंगा, टूरिस्ट लोग को इधर अलाउड नहीं करते, इधर भी अलाउड नहीं करूंगा। कामराज सागर डैम से बाहर से देखना है, इसके बाद हम लोग जाएंगे 6th माइल्स 9th माइल्स, कामराज सागर डैम, पैकरा वाटरफॉल्स, पैकरा बोट, सभी जगह दिखाऊंगा। आज का दिन में गाड़ी में बैठने के लिए बहुत कम रहते, पैदल जाने के लिए ज्यादा रहते। आज के दिन में मेरा तरफ से सभी लोग को एक आधा आधा केस तो कम करा कर दे दूंगा, उतना पैदल जाना है, पतला आदमी गुस्सा नहीं करने का है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी आप लोग को देख के रहेगा ऊटी में एक लेक, ये तो 2 किलोमीटर का लेंथ है, 40 फीट का डेप्थ है, सारे होटल सारे घर का गंदा पानी पूरा उधर ही आएगा। हम लोग को आज लेके जाऊंगा ड्रिंकिंग वाटर लेके लिए लेके जाऊंगा, वहाँ से ओनली मोटर बोट देते, 8 सीटर 10 सीटर और स्पीड बोट वगैरह। वहाँ जाने के बाद मैं तो सभी को रेट बताऊंगा, ग्रुप में जाएगा तो सस्ता भी पड़ते, बोटिंग भी करने के लिए मिल जाऊंगा। अभी हम लोग को पैकरा में जा रहे ना, पैकरा में आप लोग को 70 रुपये का एंट्रेंस टिकट रहते, फॉरेस्ट का अंदर जाने के लिए 5 रुपये का एंट्रेंस टिकट है, और पैकरा बोट क्लब में 5 रुपये का एंट्रेंस टिकट है, और शूटिंग स्पॉट में 30 रुपये का एंट्रेंस टिकट है, वाटरफॉल में 30 रुपये का एंट्रेंस टिकट है। मैं तो सुबह से शाम तक सभी लोग को गाइड करूंगा, मेरा गाइड चार्ज तो एक आदमी का 40 रुपये है, इंक्लूडिंग पार्किंग भी हम लोग को ले लूंगा, अभी नहीं देने के, वो शूटिंग स्पॉट देखने के बाद सभी के साथ 50 रुपये कलेक्शन करूंगा। क्या बोलना, तो फॉरेस्ट का 5 रुपये टिकट हम लोग को ले लूंगा, और बोटिंग का अंदर जाते ना इसका 5 रुपये हम लोग को ले लूंगा, वहाँ दो जगह पे मेरा गाड़ी की भी एंट्रेंस टिकट देना पड़ता है। ठीक है, आज का टूर में आप लोग को पाकिस्तान बॉर्डर, कश्मीर ब्रिज, पंजाब का पालन केत एंड ऑस्ट्रेलिया सभी इधर ही दिखाएगा, उधर जाने का जरूर नहीं है। ओके, वाला सुन लो, आगे लेफ्ट साइड में एक डैम दिखा था ना, यह डैम को नाम बोलते हैं कामराजा सागर डैम। 1963 हमारा तमिलनाडु का 4th चीफ मिनिस्टर मिस्टर कामराजा, उन्होंने ओपन किया था, इसके लिए उनका नाम रख दिया। आप लोग को पुराना पिक्चर भी देखा रहेगा कुछ कुछ होता है, इसमें शिमला समर कैंप करके शाहरुख खान छोटी छोटी बच्चों का साथ, लड़की बड़ी अनजाना है लड़का बड़ा अनजाना, बैग डाल के रोड पे आया था ना, सेम ब्रिज। और एक पिक्चर देखा रहेगा रोजा पिक्चर, इसमें लास्ट क्लाइमैक्स सीन में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दिखाऊंगा ना, ये भी इधर ही था, ऊटी एंड कुन्नूर पे 90% रोजा पिक्चर, 10% हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली पे, पिक्चर में कश्मीर नहीं है, 91 पे उधर वार चलते, इधर मणिरत्नम सर्किल शूटिंग चलते है। इंडियन किसी को डैम का ऊपर अलाउ नहीं करूंगा, इसके लिए साइड में रुका था, 10 मिनट टाइम ले लो, फोटो खींच के आ जाइए। अरे मेरे दिल पर बात की है, दिल गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ सेकंड टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में, जहाँ मैं आ चुका हूँ भाई। ये इस जगह का एक डैम है भाई, जो कि भाई आपका मतलब काफ़ी मूवी का शूटिंग किया गया है, जिसके आपका कुछ कुछ होता है इसमें, कि समर कैंप का जो सीन लिया गया शाहरुख खान, ठीक है। तो भाई जो ब्रिज में दौड़ के जाता है ना बैग लेके, तो भाई ये डैम ये है मेरे सामने, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। भाई गेट लॉक है, जाना अंदर अलाउड नहीं है, बट आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा। यहाँ पे यही डैम है जिस डैम से साफ भाई यहाँ से क्रॉस करके दौड़ के जाता है ना भाई, रनिंग करके बैग लेकर, यह डैम।
I'm from Jharkhand. Huh. You are from? Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay. Nice to meet you. भाई एक पिकनिक स्पॉट है ये और अगर फिल्म शूटिंग लोकेशन है जो कि सरपुर में मैंने बताया आपको और काफ़ी मूवीज का यहाँ शूटिंग हो रखा है भाई। जैसे कश्मीर का कोई सीन दिखाना होता है तो यहीं पर भाई दिखाता है, ठीक है, कि बॉर्डर कश्मीर इंडिया का बॉर्डर यहीं से भाई शूट किया जाता है ये चीज़। ये लोकेशन भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बस स्टार्ट कर दिया है और ये भाई डैम जो आपका सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे भाई, आपका जो लाइन के लिए उत्पत्ति किया जाता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ से। ये डैम भाई ऐसा कुछ है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा है भाई, कितना अच्छा सा लोकेशन है भाई। यहाँ पे काफ़ी मूवी शूटिंग हो रखा है, मैंने इस जगह में आ गया, मेरा भाई बहुत सपना मेरा पूरा हो रहा है भाई। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलो आगे चलते हैं, मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ और फिल्म सिटी लोकेशन में जाके। भाई मैं अंदर आ गया हूँ और चलता हूँ थर्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन पर।